सर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप कैसे पता करेंगे कि आपके नाम से कितने लोन चल रहे हैं। सो दोस्तों अगर आप अभी तक लोन अप्लाई नहीं किए हैं तो दोस्तों आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी भी लोन अप्लाई नहीं किए होते हैं लेकिन उनके नाम से लोन कोई बंदा लिया होता है, कोई बंदा उनके नाम से लोन ले करके यूज किया होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप फुल डिटेल में कैसे पता करेंगे कि दोस्तों आपके नाम से कितने लोन एक्टिवेट हैं, आपके नाम से कितने लोन चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ए टू जेड प्रोसेस यहां पे लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। सो दोस्तों अगर आप पता करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, दोस्तों आप इजीली पता कर पाएंगे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको पता करना है तो आपको अपने फोन में दोस्तों गूगल पे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो दोस्तों अगर आपके फोन में गूगल पे ऐप नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगा, आपको वहां से डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में आपको इस तरीके से ओपन करना। दोस्तों जैसे आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपको जो गूगल पे ऐप है प्रॉपर इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप यहां पे धीरे नीचे आना, नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको चेक करना है कि दोस्तों आपके नाम से कितने लोन एक्टिवेट है। तो आपको यहां पे धीरे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आप जब नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मैनेज योर मनी का, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे चेक योर सिविल स्कोर फॉर फ्री, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो सिविल स्कोर इस तरीके से बताएगा कि दोस्तों आपको जो सिविल स्कोर है ये इतना है, मतलब दोस्तों आपको जो सिविल स्कोर है 300 और 900 के बीच में आपका सिविल स्कोर होता है। तो दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर दोस्तों यहाँ पे 700 से ऊपर है तो गुड है, अगर दोस्तों उससे नीचे है तो थोड़ा सा आपको लोन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको चेक करना कि आपके नाम से कितने लोन एक्टिवेट हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे सी फुल रिपोर्ट का, तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्रेडिट रिपोर्ट इन 30 डेज, मतलब 30 दिन का रिपोर्ट आपको बताएगा। तो आपको सी फुल रिपोर्ट्स पे क्लिक करना, इस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से पूरा डिटेल इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दोस्तों नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब आपके नाम से दोस्तों जितने भी लोन चल रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे मेरे नाम से इतने ज्यादा लोन एक्टिवेट है, यहाँ पे इस तरीके से सभी लोन इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे किस किस कंपनी से मेरा लोन एक्टिवेट है, यहाँ पे दोस्तों AXOC मतलब लोन मेरा चल रहा है, और यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक से भी मेरा लोन चल रहा है, और यहाँ पे L&T फाइनेंस में मेरा लोन चल रहा है, और हीरो मैंने क्रॉप से भी मेरा यहाँ पे लोन चल रहा है। सो दोस्तों अगर आप दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि दोस्तों आपके नाम से कितने लोन चल रहे हैं। सो दोस्तों जो भी था हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।